بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے मोती तकी सा तजमा है, मिला दिया था, भारी हो गया, उठा नहीं जा रहा, लेकिन अभी उसके बाद अभी जाहिर हो गया थोड़ा, मोती उठी नहीं, उठाई नहीं जाती। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। रहमान और रहीम के तजमा भी मुख्तलिफ है, बड़े बड़े लोग तजमा सब में अलग 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 है। इस तजमे का नहीं भी सोल आदि है बिस्मिल्लाह, जो हम लोग याद भी नहीं थी, एक भी याद नहीं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहमान, बिस्मिल्लाह रहमान रहमान उमूमियत है रहमान में, और बहुत मेहरबान इसमें भी मुबालक है, उसका तजमा बहुत मेहरबान कर दिया। पहले में कहा सब पर मेहरबान है, अरे इसी के तजमा सबने बकरीद हो जाए, मामूली थोड़े नहीं रहमान, वो नई शर्फ है, दो तक के वो निज फरिश्तों के लिए काफी है, एक एक हर बचाने के लिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है, वैसा एक मामूली असबाक है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक समझने की तौफीक दे, सब सुलू तसव्वुफ सब इसी के अंदर है। शुरू अल्लाह के नाम से हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीच बीच में तो पढ़ते चले जाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, है मालूम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वज, जैसे अशआर में वज आता है लोगों को बहुत, एक एक शेर को पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहती बीच बीच में तो, देख लीजिए रवायत है ये, अब वक्त पर मैं देख तो आता नहीं है, याद जो है बिस्मिल्लाह मरतब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम लोग एक मरतबा भी नहीं कहते, खाना खाने से पहले भी नहीं कहते, ना अपने बच्चों को सिखाते, कुछ नहीं सिखाते। तरबियत का मामला बहुत ढीला है, तरबियत नहीं बच्चों की, जिधर चाहे जाए जो चाहे कहें, न जबान की कोई कैद है, न होश हवास दीन का है, न शरीयत का है, इल्ला माशाअल्लाह। कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ हाँफ कर दौड़ते हैं, बहुत मुझे ख्याल होता था, मैंने कहा कि आज ही पढ़ी गई तो हुस्सला माफी सुदूर पर मुझे असर होगा, मैंने कहा आज तफसीर इसकी देखूंगा मैं, थोड़ी हम ही देखेंगे, अरे चल पहली में तो नहीं कर सकता इसको, लेकिन बहुत कम देखा इसको। कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ हाँफ पे दौड़ते हैं, बल आदिया से वफन, खुदा कह रहा है उसकी तरह तवज्जो नहीं कीजिए, बोला ना अल्लाह कह रहा है इसकी तरह तवज्जो नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग चमसा अरबी में समझ लेते हैं, ये भी अल्लाह का कर्म है, अल्लाह का कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ हाँफ कर दौड़ते हैं, फिर जो अपनी टापों से चिंगारियां निकालते हैं, अपने पत्थरों पर जाते चिंगारियां गिरती, फिर जो अपनी टापों से चिंगारियां उगाते हैं, फिर सुबह के वक्त इलगार करते हैं, हमला करते हैं, जिन घोड़ों की सिफत बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला, सुबह के वक्त हमले इलगार में रहते हमला करते हैं, समझ जाइए। फिर उस मौके पर गुबार उड़ाते हैं, घोड़े घोड़े की सिफत, फिर उस मौके पर गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी वक्त किसी जमघटे के बीचों बीच जा घुसते हैं,
وړي. कि इंसान अपने परवरदिगार का बार ना छोड़ा है, ये तो घोड़े हैं, ये तो ये काम कर रहे हैं, आप सोए खराटे ले रहे हैं, ये बोला आजाद जबान में पड़ी जाती है पड़ी जाती है नहीं, हमारी नाशुकरी बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि घोड़े जो जानवर हैं वो तो हमारी राह में यदि मेहनत कर रहे हैं, टापों से चिंगारियां निकाल रहे हैं, हाँपते रहते हैं, उसी में चलते हैं, लेकिन इंसान बड़ा ना छुप रहा है, उसको कहते हैं खुसूसियात से हमने माला माल किया है, लेकिन घोड़ों गधों के बराबर भी नहीं। कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ना छुप रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तर्जुमा है, और वो खुद इस बात का गवाह है, खुद गवाह है, खुद गवाह है, वाकई हम लोग नाशुकर हैं, और हकीकत यह है कि वो माल की मोहब्बत में बहुत पक्का है, तजुर्बा भी देखिए माल की मोहब्बत में, बल आदि याद वन बल मूरी याद कलहन बल मूरी याद सुबहन बसन नबी नबन वसत नबी जमा इन इंसान रबी लखनऊ वन रशी, वो खुद भी समझता है कि हम लोग हरीश हैं, ये भी देखिए अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, खुद समझता है कि हम लोग नाशुक्रे हैं, इंसान खुद समझता है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करता है, नाशुक्री छुपे, ये कुरान का नाम बहुत मुतबर दराय से तजमा यही सा है। फिर उस मौकों पर गुबार उड़ाते हैं, फिर उस वक्त किसी जमघटे के बीचों बीच जा घुसते हैं, अब इस ये तो कसम है, उसके बाद जवाब क्या है, इंसान अपने परवरदिगार का बार ना छुपा है, ये जवाब है, कसम और जवाब है कसम, अल्लाह ताला अभी कसम खाता है, अल्लाह का कसम अल्लाह की, क्या आगे क्या है, अल्लाह ताला ही ने जवाब दिया, इन्ना इंसान कि इंसान अपने परवरदिगार का बार ना छुपा है, और खुद इस बात का गवाह है, समझता है कि हम नाशुकरी कर रहे हैं, अल्लाह ने हमको खाना दिया, पानी दिया, नींद दिया, ऐसा भी नहीं कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बाद मा अमातना वैले नुशूर, ऐसा भी नहीं कहता नालायक, इस कहने में फर्क है, मुकर्रबीन भी यही जुमला कहते, यही दुआ पढ़ते हैं, और एक बच्चा भी पढ़ता है, यही पढ़ता है, यही सिखाया जाता है, इन दोनों में जमीन आसमानी बहुत फर्क है, साबिकून आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो यही दुआ वो भी यही दुआ पढ़ते हैं, नबी भी यही दुआ पढ़ता है, अबू बकर सिद्दीक यही दुआ पढ़ते थे, हम भी वही पढ़ते हैं, ले हमारे पढ़ने में इनके पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना वैले नुशूर, क्या होता है दुआ हमेशा वह जा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमको जिंदा कर दिया, मरने के बाद मर चुके थे, मैं सोचता हूँ भाई कितना है, अल्लाह हिफाजत करता है, अल्लाह हिफाजत करता है, छछू डर आती है और भी चीजें आती है, सांप आता है, सोचिए सबसे अल्लाह ने हिफाजत करी है, लाता खुद हुसैन तुम अलानो, वो जात वो है जिसको ऊंग भी नहीं आती, ढेर नहीं ऊंग भी नहीं आती, खुद हकीकत यह है कि वो माल की मोहब्बत में बहुत पक्का है, राम दगा ये कुरान है मुझे, हमारे हजरत मां शाहसुल्ला साहब इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन छोटी सूरतों को दिल लेते थे, और बड़े बड़े मौलाना लोग आते थे तो कहते बतलाओ तुम बहुत बड़े मौलवी बनते हो, उसका तर्जमा क्या है, खुद याद है, अब आप समझ जाइए बड़े मौलाना साहब बहुत मशहूर हो गए, वहदुल्ल मुतफ़िफ़ीन उसे बतला तो बड़े मौली साहब कहलाते हो, बड़ा तर्जमा करो जाने, वहदुल्ल मुतफ़िफ़ीन नहीं ये वहदुल्ल हुमदा के माने क्या है बतलाओ, वहदुल्ल हुमदा बड़े बड़े मौलाना, कुरान हजरत का असल दस्तूर कुरान था, इसी को लेकर बैठते थे,
इसको तो मैंने नहीं सुना, नहीं सुनते थे आरायता पे वैल मुतफिफिन पर, वही कुल हूँ मदती लू मदती जमा मारे हूँ आदता, मुझे याद है उनकी जो वह इसमें अल्लाह ताला ने माल की मदम्मत किया है, मदती लुमदा अल्लाह जमा मालम व अददा, ऐसा हरीस है कि माल को जमा किया दिन है गिनता भी रहता है, ये भी है जमा मालम व अददा, यह सब अन्न माल हो अखलदा, समझता है कि नमाज ये हमको हमेशा हमेशा ही रहेगा माल। फिर उसके बाद अलम तरह कर अलम तरह के फफार अलम कभी असहाब फील अलम ये जाल कई तुम फी तबलील, पहली सूरत में माल की अल्लाह ताला ने हकीकत बयान की और दूसरी सूरत में जाह की मदद की कि कंकरियों से नेस्त नाबूद कर दिया लश्कर, यह हदत के तथ्य मुझे सोचिए आप सोचिएगा तो क्या पढ़ने वाले, यह हजरत की बात है उसमें माल का जिक्र है, जमा माल वादा या सब अन्न माल अखलदा, यह माल की मजम्मत अल्लाह ताला है कि माल की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं हमारे नजदीक और जा की भी हैसियत नहीं। फिर लेके आया था क्या अबरहा हाथियों के लेके आया था कंकरियों से मार के भूसा निकाल दिया उनका, अलम तरह के कभी असहाबी फील अलम यजाल कई तो हम फी तबलील, क्या होगा मतलब अल्लाह ताला ने तबलील में पहले में माल की के नापायदारी को बयान किया और अलम तरकैब में जा की नापायदारी कुत तुम्हारी किस काम आई, हाथी तुम्हारे एक एक कंकरी के बराबर कंकरी को बर्दाश्त नहीं कर सके हाथी तुम्हारे है माँ, अरे तुम्हारे मारे में हुआ था अलम तरह कई अरब कभी असहाबी फील अलम यह जाल कई हम फी तबलील, बहुत उमदा यह हजर के रब्त में बयान कर रहा हूँ, मैंने खुद सुना हम तो वहीं से सुने हैं जो कुछ सुना और खुद इस बात और हकीकत यह है कि वो माल के मोहब्बत में बहुत पक्का है। अल्लाह फरमा रहा है भला क्या वो वक्त उसे मालूम नहीं है जब कब्रों में जो कुछ है उसे बाहर बिखेर दिया जाएगा, अल्लाह ये है मौलाना, इसी में जितना रसूख हो उतना ही तसव्वुफ में आगे है, सुलूक में आके तरीक में आके नहीं कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक के मनामीन से मुनासिबत पैदा फरमाए, इसकी अहमियत को समझे, जब कब्रों में जो कुछ है उसे बिखेर दिया जाएगा और सीनों में जो कुछ है उसे जाहिर कर दिया जाएगा, बहुत से अमाफी सुनी तो सीने में सब अल्लाह ताला जाहिर कर देगा, बहुत से माफी सुरूर और सीनों में जो कुछ है उसे जाहिर कर दिया जाएगा, यकीनन उनका परवरदिगार उस दिन उनकी जो हालत होगी उसे पूरी तरह बाखबर है, बाखबर तो है लेकिन उसी जाहिर अल्लाह कर देगा, सीनों में जो कुछ है इस वक्त अल्लाह जानता है लेकिन उस दिन सब जाहिर कर देगा, ये तुम्हारे सीने में मौजूद है, डरने की बात है नहीं। हमारे हजरत फरमाते थे कि वो माल ले आओ जो माल छिपा के रखे हो, ये मुझे अब्दुल्लाह साहब उस पर कुछ कहते थे, उन्होंने कोई बात कही थी बड़ा माल, कहा बाहर माल यहाँ है निकालो इसको, तो मुझे मर गए कुछ जान नहीं आप जान नहीं, अच्छा अब थोड़ी सी तफसीर है अल्लाह तब क्या करें, आयत मजकूरा में घोड़ों की कसम खाकर इंसान के माथे बातें दो कही गई हैं, घोड़ों का जिक्र किया कसम घोड़ों की, बारों ने कहा कि घोड़ों कसम ही मुजाहिदीन की कसम है, ये तफसीर है दो मते, एक ये कि वो नाशुकरा है, इन कसमों को खाने के बाद इंसान को कहा गया कि नाशुकरा है, मुसीबतों तकलीफों को याद रखता है नेमतों एहसानात को भूल जाता है, लेकिन उनका मतलब यह है माना ना मुसीबतों और तकलीफों की ये हमको हर आदमी याद रखता है कि बचपन में हमारे साथ ये मुसीबत आई फलानी याद रखता है और नेमत किसी ने किसी पहुंचाई
ये याद नहीं रखता, उसको भी याद करो। उसका भी जिक्र करो, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। हम आगे क्या कहें, कुछ ही कह नहीं सकते। चलिए, नेमतों एहसानात को भूल जाता है। दूसरे ये कि वो माल की मोहब्बत में शदीद है, ये दोनों बातें शरण वाकल मजमूम है। ना शुक्री भी मजमूम और माल की मोहब्बत में शिद्दत इख्तियार करना ये भी मजमूम है। माल से मोहब्बत हो वो यूसरू नालाकार में हो, ये तो दूसरी माल की मोहब्बत हो लेकिन अहबियत ना हो। महबूब होना और बात है और महबूब तरीन हो जाना ये और बात है। माल की मोहब्बत तबई चीज है, होगी मोहब्बत मगर उस माल की मोहब्बत में अपने को फरा न कर दो। ये दोनों बातें शरण अकलम मजमूम है, उनमें इंसान को इन मजमूम खसरतों पर मुतनबा करना मकसूद है। नाशुक्री का मजमूम होना बिल्कुल जाहिर है और माल की मोहब्बत को जो मजमूम करा दिया है वो इंसानी जरूरियात का मदार है। उसके कसर इख्तराब शरीयत से हलाल ही नहीं बल्कि बकरे जरूरत कर, तो माल का मजमूम होना वस्त शिद्दत की वजह से। माल की मोहब्बत भी नाशुक्रा होना तो मजमूम सबको मालूम है नाशुक्र है, लेकिन माल की मोहब्बत को भी मजमूम कहा यह मुकैद है। जितनी जरूरत है माल की, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कोई कमाएगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा उसके लिए, तो जो कदर जरूरत जितनी मोहब्बत होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ेगा तो ये मजमूम हो जाएगा। मुफ्ती शफी साहब कह रहे हैं, माल की मोहब्बत को जो मजमूम करा दिया हालांकि वो इंसानी जरूरियात का मदार है और उसके कसब एक्तसाब को शरीयत ने सिर्फ हलाली नहीं बल्कि बकर जरूरत फर्ज करा दिया है कि उसके लिए कमाओ मेहनत करो माल के हासिल करने के लिए, तो माल की मोहब्बत का मालूम होना या तो वस्त शिद्दत के लिबास है। इतनी मोहब्बत ना हो जो मोहब्बत में शिद्दत पैदा हो जाए, ये तो दाल अगर है जायज है कि माल की मोहब्बत में ऐसा मगरूब हो जाए कि अल्लाह ताला के अहकाम से भी गाफिल हो जाए और हलाल हराम की परवाह न रहे। ये मोहब्बत, ये माल की मोहब्बत मजमूम है बुरी, और यह इसलिए कि माल का कसब एक्तसाब बकरे जरूरत जमा करना तो मजमूम नहीं बल्कि फर्ज है मगर उसकी मोहब्बत मजमूम है। सब कुछ करो मेहनत मशक्कत, समझो कि जरूरत है, जरूरत की बिना पर हम कर रहे हैं। ऐसी मोहब्बत जो आखिरत पर भी राजी हो जाए ये मजमूम है, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। उसका हासिल यह होगा कि माल को बकदर जरूरत हासिल करना और उसे काम लेना तो एक फरीदा और महमूद है, लेकिन दिल में उसकी मोहब्बत होना मजमूम भरा है। दिल को यादगार खुदा की, दिल तुम्हारा अल्लाह का बर्तन है, इस बर्तन में गैर शय को न रखो। कोई बहुत उम्र हो फिरी नहीं रखने का और उसमें कोई इस्तिंजा पखाना पेशाब रख दे तो मजमून उसकी नाकदरी किया उसने। दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए, यही अल्लाह का बर्तन है, इसको साफ सुथरा रखो। हदीस सुनाता हूँ, उससे काम लेना तो एक फरीदा महमूद है, लेकिन दिल में उसकी मोहब्बत होना फिर भी मजमूम ही रहेगी। दिल को अल्लाह ही की मोहब्बत के लिए रखो, बीमारी में दवा भी पीता है ऑपरेशन भी कराता है मगर दिल उन चीजों की मोहब्बत, दिल से उनकी चीजों की मोहब्बत नहीं होती है बल्कि बदल मजबूरी करता है, सब कुछ दवा पीता है। इसी तरह अल्लाह के नज़दीक मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि बकदर जरूरत माल को हासिल भी करे, उसकी हिफाजत भी करे, मौके जरूरत में उससे काम भी ले मगर दिल उसके साथ मशगूल ना हो। इसको मौलाना रूम ने फरमाया, आप अंदर जेर कश्ती कर पुश्ती अस, पानी कश्ती के नीचे ये तो उसके कुत की बात है बगैर उसके कश्ती चलेगी नहीं, लेकिन पानी अगर कश्ती में आ जाए तो उसके लिए हलाकत है। जहाज डूब जाते हैं बड़े जहाज डूब जाते हैं, पानी जाने से डूबते हैं, जो पानी ले जाता है यहां से वहां तक वही पानी डूबने का सबब बनता है। अफला यालम इजाबू सरमा फिर अला
क्या इस गाफिल इंसान को इसकी खबर नहीं कि क़यामत के रोज जबकि मुर्दे कब्रों से जिंदा करके उठाए जाएंगे और दिलों में छिपी हुई बातें भी सब खुलकर सामने आएंगी, और ये भी सब जानते हैं कि रब्बुल आलमीन सब के सब हालात से बाखबर है, इस वक्त भी बाखबर है, ये जाहिर उसी दिन करेंगे अल्लाह ताला। क्या गाफिल इंसान को इसकी खबर नहीं कि क़यामत के रोज जबकि मुर्दे कब्रों से जिंदा करके उठाए जाएंगे और दिलों में छिपी हुई बातें भी सब खुलकर सामने आ जाएंगे, वो सिर्फ गाफिल सुदूर सीने में जो है इस पर कोई नहीं जानता। डॉक्टर बताता है नहीं आपको ब्लड प्रेशर है, हालत बताता है आपकी शक्कर बढ़ी हुई है, जल्दी शक्कर को मानता थोड़े ना आदमी, जल्दी दिखला देता है कि देखो इतना है मान लेता है। दिलों में छिपी हुई बातें भी सब खुलकर सामने आ जाएंगी, और ये भी सब जानते हैं कि रब्बुल आलमीन इन सब के सब हालात से बाखबर है तो उसके मुताबिक जदा और सजा देंगे, इसलिए अकलमंद का काम यह है कि नाशुक्री से बाज आ जाए। अच्छी तफसीर मुफ्ती साहब कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अकलमंद का काम यह है ये। बहुत मुफ्ती साहब बहुत डर रहे हैं, इनके हालात आखिरी पढ़िए दुख ले। प्यारी भी अपनी नगर देव भाई प्यारी ये फला की है, मेरे मरने के बाद ये फला की रहेगी प्यारी ताकि बहुत पढ़िएगा, बहुत इबरत की बात, बहुत इधर सुनाया भी था मैंने शायद कोई कह रहा था कि बोल रहे थे। सब जानते हैं कि रब्बुल आलमीन उन सब के हालात से बाखबर है तो उसके मुताबिक जदा और सजा देंगे, इसे अकलमंद का काम यह है कि नाशुक्री से बात आए और माल की मोहम्मद मोहब्बत में ऐसा मग्न हो कि अच्छे बुरे की तमीन न रह जाए। चलिए अहमदाबाद इस आयत में ये दो मज़मूम खसरतें मुतलकन इंसान की बयान की गई हैं, हालांकि इंसान में अंबिया और या भी हैं, इश्काल एक होता है कि आम इंसान कैसा है कि नाशुक्रा है और मोहब्बत माल से रखता है, यह आम तो आम इंसान में तो अंबिया भी हैं कि वो भी इस मर्ज में मुबतला है, उसका जवाब दे रहे हैं। इस आयत में ये दो मज़मूम खसरतें मुतलक इंसान की बयान की गई हैं, हालांकि इंसान में अंबिया व औलिया बहुत से सुरह और बाद ऐसे हैं जो इन मजमूम खसरतों से पाक और शुक्रगुजार बंदे हैं, माल को अल्लाह के राह में खर्च कर डालने के लिए तैयार रहते हैं, हराम माल से बचते हैं, बहुत से अंबिया के मुतलिक क्या किए नाशुक्री लोग थे, बहुत से औलिया अल्लाह भी नाशुक्री नहीं होते, अल्लाह ताला ने मुतरकन फरमाया है तो फरमा रहे हैं। वजह यह है कि मुतलक इंसान की तरफ इन मजमूम खसलतों की नस्बत इसलिए कर दी गई कि अक्सर इंसान ऐसे ही है, अंबिया मुस्तस्ना सुलह मुस्तस्ना। एक हदीस है कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी हिर्स जो है जवान हो जाती है, एक मनचाहे थे जवान बूढ़े से कहा कि हदीस है जब बूढ़ा आदमी होता है तो ये अमराज जो है हिस्स और तमाम ये तो जवान हो जाती है, तो आपके अंदर भी हिस्स जवान हो गई होगी बूढ़े आदमी, लेकिन बूढ़े ही थे, जवाब दिया कि मैं आप बूढ़ी जवान वो है जो पैदा हुई है, हमारे अंदर कभी हिस्स वगैरह पैदा ही नहीं हुई तो जवान क्या होगी, जवाब है नहीं समझ भी लिया कि नहीं जवान हदीस का जवाब हजरत से मैं सुना मालूम हुआ कि इसलाह की फिक्र जवान ही होना चाहिए अपनी जवानी से ताकि हिस्स बुढ़ापे में जवान ना हो जाए, और जो पहले अगर उसको खत्म कर दिया कोई मादा है जवानी में निकाल फका दिया तो रहेगा मादा बुढ़ापे में नहीं आएगा। इसलिए बाद हजरात ने इस आयत में इंसान से मुराद इंसान एक काम ही बुला लिया है, जैसा कि ऊपर खुलासे तफसीर में ऐसा ही उसका ऐसा ही है, उसका हासिल यह होगा ये दोनों मजमूम खसरतें दरअसल काफिर की हैं, किसी मुसलमान में भी खुदा रास्ता पाई जाए तो उसे फिक्र करना चाहिए। मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं खुलासा असल तो ये खसरत है नाशुक्री की और इंतहाई मोहब्बत माल की, ये काफी की सिफत है, अगर किसी मुसलमान में पाई जाए तो उसको फिक्र उसकी इसलाह करना चाहिए। अहलुल्लाह का इसी फिक्र के अंदर एतदार पैदा किया जाता है, इसी फिक्र के अंदर है माल की फिक्र भी है उससे मोहब्बत भी है, लेकिन उसको एतदार पर रहना, मौके इस्तेमाल में सर्व करना गैर मौके में उसे बचना, ये माल की
मासी में उसको ना खर्च करो, दात में भी हद के अंदर रहो, जितनी इजाजत है उतना। अब शादी ब्याह में क्या होता है मुझे, सूद पर रकम ली जाती है, क्या हो रहा है इस वक्त? तो शादी का दौर है मुझे, हिंदू तो शादी शादी, लेकिन बाद में मुसलमानों की भी वैसी होती है मुझे, आम तो नहीं है अलहमदिल्ला, लेकिन मुसलमानों की। हमारे माँ मोहम्मद अहमद साहब बहुत चाहते थे कि आज मुसलमानों की शादियों में और गैरों की शादी में फर्क नहीं रह गया, इमाम मोहम्मद अहमद साहब कहते। वाकई ऐसे ही अल्लाह ताला हम सब लोगों को एतदाल पर रहने की तौफीक दे। शरीयत हमारी मोतदिल है, उम्मतन वसतन, शादी ब्याह में भी हर चीज में, जो भी दीनी काम है उसमें भी एतदाल पर रहो, हद से न बढ़ो, न उसके मुताबिक वाहियात बातें करो। ये सब कुछ यही है, रास्ते बहुत हैं, सुबुल हैं, रास्ते हैं। मैं कनाडा में गया तो वहां बड़ी सड़कें चौड़ी चौड़ी, वो मुल्क अभी खाली है, आबादी वह ज्यादा नहीं है अभी, है खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, दसियों कोई 10 मील की रफ्तार से जा रहा है, कोई 100 मील की रफ्तार से जा रहा है, कोई 200 मील की रफ्तार से जा रहा है, कोई होता है 300 मील, कोई नकीर करता है किसी पर, वही बयान किया, कोई नकीर करता है कि नाराज 10 मील से जा रहा है, वो भी मंदिर मकसूद तक पहुंचेगा, और 200 वाला भी पहुंचेगा, 300, कोई किसी पर नकीर नहीं करता। इस वजह से अल्लाह ताला कहते, मैंने कहा इस रास्ते से भी तंग रास्ता समझते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर शाहराह लेके आए हैं, लय लोहा कर रहा रहा, उसकी रात भी मिस में थी, अब तो अब दिन अब बनाए हैं इन्होंने, और हुजूर कह रहे हैं लय लोहा कन्हा रहा, हमारा तरीक वो है इसके रात भी मिसल दिन के है कि नहीं, दिन हो गया कि नहीं, ये कहा जा सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आपके। मैंने कहा उस सड़क पर तुम लान तान करते हो किसी पर, वो मोटर वाला तो लान लगता है कि 10 मील से तुम चले रहे हो, वो समझ रहा है कि ठीक रास्ते चल रहा है, पहुंचे गए अभी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उस फॉर्म में सही बता फरमाए, दीन को समझने की फॉर्म बहुत बड़ी है, इल्म की जरूरत है, अक्ल की जरूरत है, रिफ की जरूरत है, हिल्म की जरूरत है, तमाम चीजें जब होंगी तब तुम सही सफर कर सकते हो। सफर में कितनी दिक्कत होती है हम लोग इस बना पर, ये सफर उखरवी है, इसके अंदर बहुत एतदार की तरह जबान न खोलो किसी पर, चलने दो, तुम चल रहे हो बहुत तेज चल जाओ, जो पीछे है वो भी अल्लाह ताला के मुअय्यद है, तारीफ किए हुए हैं, बर सराते मुस्तकीम, आए दिल कसे गुमराह ने, जुमला बर सराते मुस्तकीम, आए दिल कसे गुमराह ने, इस सराते मुस्तकीम पर कोई गुमराह नहीं, चाहे 10 मील की रफ्तार जाए, 20 मील की जाए, या 100 या 200, अगर उस रास्ते पर है तुम उसको लान तान नहीं कर सकते, चाहे नहीं पकड़ में आ जाओगे, समझ गए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को राह रास्ता रखे, इसी वजह से सबसे ज्यादा दुआ इसी सबसे जामे अल्लाह में तरबिया ने कहा है कि ये सूरह फातिहा में है, ये दुआ है, तब सबसे जामे सूरत कौन है, सूरह फातिहा।